जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वीडियो में आज बात करेंगे टाटिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। टाटिया ग्लोबल का नाम आपने सुना होगा, पेनी स्टॉक यदि आप दीवाने हैं, और खासकर स्टॉक मार्केट में जब भी आप किसी टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स को ढूंढते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स काफी चर्चा में रहता है पेनी स्टॉक की जब हम बात करते हैं, तो उसी तरीके से एक और भी स्टॉक इस वीडियो में लेकर आया हूँ जिसका नाम है टाटिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड। काम देखेंगे तो कंपनी टोटली आपको टेक्सटाइल के सेक्टर में कामकाज करते हुए नजर आएगी। टेक्सटाइल के सेक्टर में कंपनी देखिए इसका एक तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार के विजन को लेकर चलती है। इसके अलावा टेक्सटाइल के और जो बिजनेस है उसके अलावा देखेंगे तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के सेक्टर से भी जुड़े हुई है। ये इन्वेस्टमेंट करती है सिक्योरिटीज में, डेप्ट में, और इससे रिलेटेड जो और भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख जाएगी। यानी कि मल्टीपल बिजनेसों में कह सकते हैं कंपनी कूदी हुई है। मल्टीपल तो नहीं, दो तीन बिजनेस है कंपनी के, टेक्सटाइल्स मेन बिजनेस है। टेक्सटाइल के सेक्टर से कंपनी का मेजर रेवेन्यू प्राप्त होता है, और हम सभी जानते हैं कि जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है उनके शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। और चूंकि टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जिसको हमारी जो भारत की गवर्नमेंट है वो भी काफी इसके लिए रेडी रहती है, इसको ऊपर ले जाने को लेकर सरकार का कहना है कि टेक्सटाइल के सेक्टर में भारत को नंबर वन बनाना है, बांग्लादेश से भी आगे, बांग्लादेश से भी सबसे आगे है टेक्सटाइल के सेक्टर में, उससे भारत को आगे निकालना है। तो जिस सेक्टर को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता हो उस में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बेहतरीन स्टॉक्स में उसके उस इंडस्ट्री के, तो आपको फायदा होगा ही होगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर और वहां पर शॉर्ट अपडेट लेते हैं इस स्टॉक के बारे में, फिर हम लोग यहाँ पे आके इसके कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और आपको बताऊंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट है तो क्या करने की जरूरत है, नहीं है नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। बीएस इंडिया की वेबसाइट पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि टाटिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड अभी ईएसए में स्टेज वन की श्रेणी में है। देखिए सिर्फ यही एक स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जितने भी आप टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स को देखेंगे आपको ज्यादातर वो ईएसए में या जीएसएम कैटेगरी में ही दिखेंगे, और ईएसए में स्टेज वन में है। ये स्टेज वन उतना घातक नहीं होता, उतना खतरनाक नहीं होता जितना थ्री और फोर होता है। मेन थ्री और फोर की कैटेगरी में होता तब जाकर टेंशन की बात होती है। ईएसए में स्टेज वन में है, बहुत जल्दी से बाहर आ जाएगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं। नोटिफिकेशन में भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक में अपर सर्किट आपको लगा है, और अपर सेक लगने के साथ ही कंपनी का तकरीबन ढाई गुना वॉल्यूम भी बढ़ा है। ये मैं पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है अपर सेक लगना शुरू हो गया तो समय, और पहले भी अपर सर्किट इसमें लगा, ऐसा नहीं बीच बीच में कभी कभी एक आदमी लोअर सेक लग गया था वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर स्टॉक देखें तो अपर सेक में रहता है क्योंकि जिस सेक्टर का ये स्टॉक है उस सेक्टर का ग्रोथ ही ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिख रहा है, इसलिए इसमें आगे भी अपर सेक लगते रहने के चांसेस रहेंगे। अब यदि हम लोग टाटिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड के काम तो खैर हम लोगों ने समझ लिया, और अब बात करते हैं फंडामेंटल का। मार्केट कैप देखेंगे तकरीबन 65 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन दिख जाएगा, ठीक है। और स्टॉक का पी काफी महंगा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस स्टॉक का डिमांड काफी होता है उसका पी महंगा होगा ही होगा, लेकिन इतने महंगे वैल्यूएशन पर हम क्या इस कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें कंपनी का टेक्निकल भी देखना होगा, और अगर ठीक ठाक लेवल निकल कर सामने आता है तब हम आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। इतने महंगे वैल्यूएशन पर तो अभी फिलहाल बाई नहीं करने की सलाह दी जाएगी। स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे और आरओसी देखेंगे तो प्लस में है, 2.5% के आसपास है, यानी कि ठीक ठाक है, माइनस में नहीं है। ये बहुत खुशी और बहुत सुकून की बात है। यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस भी बुक वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि ओवरऑल फंडामेंटल में जो चीजें होनी चाहिए अभी तक वो सारी चीजें इसमें होती हुई दिख रही है। आगे और भी थोड़ी चीजों को डिस्कस करेंगे फंडामेंटल, लेकिन उसके पहले हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कंपनी के चार्ट को समझते हैं। कंपनी का चार्ट क्या कह रहा है, देखिए कंपनी का चार्ट अब चूंकि इस रेंज बाउंड में फंसा हुआ था 4 रुपए से लेकर 3.5 रुपए के बीच, इससे आपको बाहर निकलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ प्राइस का मूवमेंट हुआ है, और चूंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक रेंज बाउंड में होता है तो उससे जब निकलता है तो ऊपर की तरफ ही जाता है, तो जाहिर सी बात है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होगा और प्राइस ऊपर निकलेगा, और प्राइस ऊपर निकल भी रहा है। और कहाँ तक ऊपर निकलेगा, तो ये जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 7 रुपए के, इसके डबल कम से कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ से यदि हम देखें तो कंपनी में अभी भी अप ट्रेंड आपको मतलब ये जो निकल कर आ रहा है हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, तो अप ट्रेंड का ही इसको माना जाता है। और ये प्राइस ऊपर निकलेगा तो इसका डबल जाएगा, यानी कि ये जो हाई है इसके डबल कहने का मतलब 14 रुपए तक आराम से आपको इस कंपनी का शेयर प्राइस जाते हुए दिखेगा, 14-15 रुपए तक। तो एक बार इस चूंकि इसके ऊपर निकल गया है, इस लेवल को निकाल दीजिए, अच्छे से निकलेगा 4.5 रुपए से ऊपर निकलेगा तो रॉकेट बनेगा इस कंपनी का शेयर प्राइस, इजिली आपको 14-15 रुपए का टारगेट बहुत शॉर्ट टर्म में आपको अचीव करा देगा। तो चार्ट पर मजबूती के संकेत बन रहे हैं, ओवरऑल समझ में यही आ रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि जिस इंडस्ट्री का स्टॉक है ज्यादा दिन तक रेंज बाउंड में नहीं रह सकता है, तेजी आएगी ही आएगी, और तेजी अब जाके इस तरह के स्टॉक्स में जो टेक्सटाइल के स्टॉक्स है उसमें आने लगी है, तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी आपको तेजी आते हुए दिख रही है। चार्ट के माध्यम से जो बातें निकल कर सामने आ रही है मैंने आपको बता दी। अब समझिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो अभी आपको इसमें बने रहना है, घबराना नहीं है। जिसके पास नहीं है वो जब 4.5-5 रुपए के लेवल के ऊपर निकाले प्राइस, तो वहां पर थोड़ी बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं, नया बाई कर सकते हैं, और जो टारगेट मैंने दिए हैं कम से कम आप 10 रुपए तक के लिए इसमें इजिली जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से
पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस जरूर कीजिएगा। कंपनी का जब क्वार्टर्स का आप रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट में देखेंगे कंपनी का सेल्स भी ठीक ठाक है, पिछले कुछ क्वार्टर्स लगातार सेम ही बना रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है वह भी कह सकते हैं लगातार सेम ही बना रहा है, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिट या सेल्स कंपनी का होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक एवरेज है, इसमें एवरेज के हिसाब से कंपनी का चल रहा है। कंपनी के ऊपर डेप्ट ज्यादा नहीं है, यानी कि डेप्ट ज्यादा नहीं है तो अच्छी बात है कि कंपनी जो भी कमा रही है वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने में उस पैसे को खर्च करेगी। इसके अलावा कंपनी के पास रिजर्व पैसा भी है तकरीबन 11 करोड़ 40 लाख आसपास, जो पिछले कुछ क्वार्टर में सबसे ज्यादा है, मार्च क्वार्टर रिजल्ट में आपको बढ़ते हुए दिखा है। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल भी बढ़िया है, कंपनी का टेक्निकल डाटा भी बढ़िया कह रहा है, काम धाम तो बढ़िया है। तो आपका इन्वेस्टमेंट इसमें है तो बने रहिए, नहीं है तो सही समय देख के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचिएगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले धन्यवाद, शुक्रिया।